नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स न्यूज। तो लेट्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली गाइस, जितने भी स्टूडेंट बीटीयूपी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली आज के डेट में उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट एंड गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो फाइनली आज के डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एंड इन सभी के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। तो गाइस सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स एंड कम्प्लीटली लाइव रूप बताया जाएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम जान लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है आज के डेट में आ सकता है या फिर किसी भी वक्त आ सकता है। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ, कल की डेट में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा था कि अब 5 सितंबर से शुरू होगा पॉलिटेक्निक का नया सत्र। तकनीकी शिक्षा परिषद ने दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 30 नवंबर तक होंगे प्रवेश। तो ऐसे में गाइस जो आपका प्रवेश है वो 30 नवंबर तक होगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपकी तिथि बढ़ा दी गई है। और गाइस अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हैं, जो बीटीयूपी आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, काफ़ी गंदा ही अपडेट है आपके लिए। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पर क्या है CUT UG के नतीजे 15 तक। गाइस यहाँ पे CUT UG जो है ना वो सेम BTUP की तरह काम करता है। मैं आपको भी लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, पढ़ के यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUT के नतीजे 15 सितंबर को घोषित किए जाएंगे, एंड परीक्षाएँ जुलाई में शुरू होकर 30 अगस्त तक चली थी। तो गाइस सेम आपका भी ऐसा हुआ था कि आपका जो एग्ज़ाम था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था। एंड गाइस आपको मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है अब बहुत ही जल्द आपके साइट पे आ जाएगा। और गाइस मैंने आपको डे वन से बताया भी है कि मैंने जब भी मैं BTUP के अधिकारी से लाइव कॉल पे बात कर रहा हूँ तो लगातार आपको यही बता रहे हैं कि आपको बस लगातार आपकी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी वक्त में आ सकता है। तो गाइस आपको मैं बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे आना है। आपको यहाँ पे देखेंगे अपना गाइस, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूँ ताकि आप सब सही से साइट पे विजिट कर पाएँ और सही से अपना रिजल्ट चेक कर पाएँ। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना होगा, सर्च करना होगा आपको BoardsExam.com, यहाँ पे BoardsExam.com की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। तो डेस्कटॉप मोड में ऑन करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आते हो, तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रीन पे देख पाएंगे यहाँ पे गाइस है ना BTUP इवेंट सेम रिजल्ट 2022। तो यहाँ पे गाइस आप क्लिक करते हो ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटर पेजेस आएंगे, आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ BTUP की तरफ से आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे सब कुछ आप कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हो ना गाइस आप, तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से इंटर पेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख पाएंगे फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया PCI, तो इस पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बता दिया मैंने, अब बात कर लेते हैं गाइस आपके रिजल्ट का। तो गाइस जब भी आपका रिजल्ट आता है ना, आपको सिंपल में इसी पे क्लिक करना होगा, और साइट स्मूथली वर्क कर रही है, तो ऐसे में आज की डेट में आपका रिजल्ट गाइस आ सकता है, बट इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। गाइस आज की डेट में आ सकता है या फिर किसी भी वक्त आपका रिजल्ट आ सकता है, आपको बेसिकली इसके बारे में पता भी है। तो गाइस प्लीज़ अब बात कर लेते हैं किन छात्रों के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं और किन छात्रों को बैक लग सकते हैं। तो गाइस जब भी मैंने आपको BTUP का नंबर दिया है ना, तो मैंने आपको कई बार बोला भी था कि आपसे BTUP पे लगातार बातें करो, कॉल पे उनसे आप खुद पूछ सकते हो। तो गाइस देखिए, आपको मैंने कई बार बताया भी है कि जब कोविड हुआ था ना, कोविड के समय में गाइस क्या हुआ था कि आपका जो सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, और आपके सिलेबस में बहुत कम ही कंप्लीट हो पाए थे। ऐसे में आपको इसका ग्रेस मार्क मिलने वाला है। अगर आपको ग्रेस मार्क के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप YouTube पे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और गाइस आप क्या करेंगे, तो इस बार सभी छात्रों के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, बट उन छात्रों के अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे जिन छात्रों ने एग्ज़ाम में चीटिंग किया है या फिर सेंटर पे कोई ना कोई गड़बड़ी करी है, तो उनके अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस आप ज़रूर से एक बार से आए यहाँ पे, क्लिक करके सर्च कर ले, आपको सब कुछ इसके बारे में पता लग जाएगा, साइट स्मूथली वर्क कर रही है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।